बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि लास्ट टाइम हम होंडाई HGS 3500 का रिव्यू लेके आए थे, आज हम उसी तरह 660 cc जनरेटर का रिव्यू लेके आए हैं। ये हमने मैन्युअली रेट तैयार किया था इसको, और ये अभी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, इसके जो पावर आउटपुट है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इसके पार्ट से। सबसे पहले ये इसका जो है रेडिएटर है, इसमें हमने अभी कूलेंट डाला है क्योंकि पहले इसमें आम पानी था और वो उससे तकरीबन काफ़ी जो रेडिएटर है वो जंग हो गया था। उसके बाद हमने इसको इसमें इसके अंदर कूलेंट डाला है। तो ये इसका रेडिएटर है। उसके बाद ये देखिए रेडिएटर फैन नीचे लगा है। ये इसका मेन इंजन है, ये फिल्टर ऑयल इंजन ऑयल फिल्टर इसका लगा है। यहाँ से हम इसका मुबलेल इंजन ऑयल चेंज करते हैं। और इसके साथ साथ ये इसका डायनमो है। इसकी स्पेक्स मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको नज़र आए। इसमें तकरीबन ये लिखा है इसमें 7.5 kV का ये आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, वोल्टेज 220। और ये इसके सारे स्पेसिफिकेशन हैं आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ से इसका जो है ये इसका स्टार्टिंग जो इग्निशन है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये इसका जो है टेम्परेचर गेज है, और उसके बाद ये इसका जो आउटपुट देता है उसकी वोल्टेज हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इसके सर्किट ब्रेकर हैं दो। इसके बाद इसके जो उस साइड पे पार्ट्स है वो है, ये इसका CNG किट गैस किट लगा है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके साथ ड्राइव बैटरी भी हमने लगाई है। अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि इसकी स्टार्टिंग किस तरह है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी नॉइज़ भी बहुत कम है, और जहाँ तक लोड की बात है हम इस पर आराम से 2 घर का फुल लोड इस पर डाल सकते हैं। हमने ये बाकायदा इसको चेक किया है, हम वैसे ही नहीं बता रहे आपको। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रिव्यू पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।